उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 19 अगस्त में लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र के जो भी ओलंपियन मेडलिस्ट खिलाड़ी रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश में बुलाया जाएगा और 19 अगस्त में एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से करीब 40-50 हजार युवा बुलाए जा रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए ये ओलंपिक हैं, ओलंपियन लोग हैं और इन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं। ये इतना बड़ा आयोजन प्रदेश के विभिन्न जिलों से 40-50 हजार युवाओं को आप बुला रहे हैं, रास्ते में कोई घटना भी घट सकती है, उनका समय आप बेवजह बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रदेश के युवा हैं, खिलाड़ी हैं, वो टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि भाला फेंक में गोल्ड आया है, 2 सिल्वर आए हैं, बाकी 4 ब्रॉन्ज आए हैं, सब जानते हैं। इतना हा हुल्ला मचा करके उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। प्रदेश की गतिविधि खेलों में सुनने हैं, जो भी खेलकूद के नाम पर हो रहा है वो खेल मंत्री और खेल निदेशक तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, खेल नाम की यहां पर कोई चीज नहीं है। पिछले 2020 में 25 मार्च 2020 में यहां सभी खेल प्रशिक्षकों को हटा दिया गया था। मार्च 2020 से आज तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खेल गतिविधि सुनने हैं, यहां पर कोई प्रशिक्षक नहीं है, खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षक त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं, खेल पर, खिलाड़ियों पर, खेल प्रशिक्षकों पर कोई ध्यान नहीं है। खेल मंत्री और खेल निदेशक केवल सामान खरीद और निर्माण में लगे हुए हैं, जहां से उन्हें कमीशन मिलता है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति हिंदुस्तान में कैसी है आप जान सकते हैं। जनसंख्या में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और अन्य प्रदेश बहुत छोटे हैं। यदि इन छोटे छोटे 5-6 प्रदेशों को, जहाँ के लोग मेडल लाए हैं ओलंपिक में, इन सबको मिला दिया जाए तो भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है। इसके बावजूद भी वहाँ के कितने मेडल हैं और यहाँ की स्थिति क्या है। डायरेक्टर को 7 साल हो गए हैं, लगातार डायरेक्टर बने। इस 7 साल में डायरेक्टर ने इस प्रदेश की खेल गतिविधि को, खेल के स्टैंडर्ड को कतई खत्म कर दिया है। इस नाकामी को छिपाने के लिए, इस अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए यहाँ का शासन प्रशासन 19 अगस्त में एक भव्य आयोजन कर रहा है और इस भव्य आयोजन में शर्म आनी चाहिए कि जितने भी मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं वो सभी दूसरे प्रदेशों के हैं। इस प्रदेश की स्थिति शून्य है। जितना आप खर्च करना इस पर चाह रहे हो आयोजन पर, वो खर्च विभिन्न जिलों में खेल गतिविधि शुरू करके वहां खर्च करिए, लेकिन आपको तो इस आयोजन में भव्य आयोजन दिखाना है और मोटा खर्च मार करके मोटी मलाई मारनी है। भ्रष्टाचारी समय भी होगा, कितने बच्चे इसमें आए, उनके खाने का प्रबंध किया, उनके आने जाने का किराए का प्रबंध किया, होगा कुछ, दिखाया जाएगा कुछ और रिजल्ट निकलेगा शून्य। लेकिन केवल मुख्यमंत्री को बड़ी बड़ी बातें बताई जाएंगी कि देखो मुख्यमंत्री जी, हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। यदि मुख्यमंत्री में खुद का अपना दिमाग हो, उसे सोचना चाहिए कि इससे काम नहीं चलेगा, इससे खेल की गतिविधि नहीं सुधरेगी। जब तक हम खिलाड़ियों के पास गांव-गांव तक, शहर-शहर तक, जनपद तक नहीं जाएंगे, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं देंगे, 12 महीने ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 25 मार्च 2020 से और आज तक सभी खेल गतिविधि बंद है, सभी प्रशिक्षक अपने घर बैठे हुए हैं। लॉकडाउन वैसे तो जहां लोगों को रोजगार मिलता हो, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलती हो, वहां पर तो कोरोना आ जाता है, लेकिन जहां चुनाव होते हैं और जहां इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है, अब 19 अगस्त में करीब 50 हजार लोग इकट्ठा होंगे, वहां पर कोई कोरोना नहीं, वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, वहां पर कोई खतरा नहीं, वहां इकट्ठे हो जाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन स्टेडियम में जहां गतिविधि शुरू होती है, जहां सोशल डिस्टेंस से भी खिलाड़ी को तैयार किया जा सकता है, वहां पर इन्हें कोरोना दिखाई देता है, कमीनों को, वहां पर इन्हें दिखाई नहीं देता कि खेल गतिविधि कितना जल्दी शुरू करनी चाहिए। अरे खेल गतिविधि से तो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ती है मनुष्य की,
खेल गतिविधि शुरू कराने में इन्हें कोरोना दिखाई देता है, लेकिन जहां हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं वहां कोरोना नहीं दिखाई देता। 19 तारीख में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से बच्चों को बेवजह ताली बजाने के लिए इकट्ठा कर रहे हो, दिखावा करने के लिए इकट्ठा कर रहे हो, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना भी हो सकती है, कोई वैसी घटना भी हो सकती है, लड़के भी जाएंगे लड़कियां भी जाएंगी, लेकिन इन्हें दिखावा करना है, नौटंकी करनी है, अपना निकम्मापन नकारापन छिपाना है। अरे बताइए उत्तर प्रदेश की स्थिति ओलंपिक में क्या रही? दुनिया के जो विभिन्न देश हैं, जो मेडल लेकर के आए हैं, खूब सारे मेडल लेकर आए हैं, उन देशों की जनसंख्या भी इतनी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, लेकिन ओलंपिक में हम कहाँ हैं? जब हिंदुस्तान में नेशनल लेवल के खेल होते हैं, हम हिंदुस्तान में ही कहाँ रहते हैं यूपी के खिलाड़ी? इसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करिए, उसको सस्पेंड करिए, उसको बर्खास्त करिए, उसको हटाइए। लेकिन वहां ध्यान नहीं है, क्योंकि वो मोटी रकम कमा के दे रहा है, पूरा ध्यान लोगों का बेवकूफ बनाने पर है। मेरा प्रदेश की जनता से आह्वान है कि वो इन्हें समझाए, मेरी वीडियो हो या आप अपने स्तर से हो, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं। जरूरत है सुविधाओं की, जरूरत है खेल प्रशिक्षकों की, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, लेकिन वहां आपका ध्यान नहीं है, वहां कोरोना दिखाई देता है, क्योंकि कोरोना है। और जहां आप इकट्ठा करते हैं, लूटमार होती है, भ्रष्टाचार होता है, वहां पर कोई कोरोना नहीं है। अब 19 अगस्त में आप लखनऊ में इकट्ठा कर रहे हो पब्लिक को, वहां तमाम भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ जाओगे, होना कुछ नहीं है, जीरो। फिर खिलाड़ी आ जाएंगे परेशान होकर के, क्यों खिलाड़ियों को, क्यों युवाओं को परेशान कर रहे हो बेवजह, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? अगर करना ही है तो गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत लेवल और जिला स्तर पर प्रशिक्षण शुरू करिए।